फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इंडिया से साउथ थाईलैंड घूमने का प्लान कम खर्च में कैसे बनाते हैं। ये वीडियो मैं बहुत से लोगों के डिमांड पे बना रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं आज दिनों में कौन कौन सी सिटी में गया और कहाँ कहाँ पे घूमा सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। सारे खर्चे मतलब फ्लाइट्स और वीजा, खाना और होटल्स में रहना, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और अमेजिंग पार्टीज, ट्रांसपोर्ट। आप लोग जो मेरी थाईलैंड सीरीज पहले देख चुके हैं उनको कुछ मेरे शॉर्ट्स रिपीटेड लग सकते हैं और उन वीडियोस की लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। इस बार फिर से मैं हूँ बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जा रहा हूँ थाईलैंड करीब 10 दिनों के लिए। थाईलैंड जाना जाता है अपनी पार्टीज, नाइट लाइफ, शॉपिंग, बीचेस, मसाज और खाने पीने के लिए। करावी की सबसे सस्ती टिकट कोलकाता से होती है, पर मैंने बेंगलोर से एयर एशिया की टिकट बुक की 7,200 रुपये में। पहले इंडियंस के लिए थाईलैंड का ऑन अराइवल वीज़ा फी 2,000 baht था, जो अभी थाईलैंड गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग दिखाना पड़ता है। मुझे 1 घंटा क्यू में लगना पड़ा इस काम के लिए। बैंकॉक में 4 घंटे के लिए ओवर के बाद फिर से मैं करावी के लिए दूसरे फ्लाइट में बैठ गया हूँ। और ये है स्टे और हॉस्टल। थाईलैंड के करावी में मेरी काइकिंग टूर शुरू हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं घने जंगलों की ओर। 3, 2, 1 बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा आज का। और अभी मैं जा रहा हूँ फिर से अवनांग बीच पे। चिकन राइस, चिकन राइस। कैन यू ओपन, कैन यू टेक, कैन आई ईट हियर? यस, कैन ईट एंड फॉर्म मेक फॉर्म। ओके ओके। सेल लेवल में चिकन राइस मिला 29 baht का। ऐसे यहाँ बहुत से चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको सस्ता खाना है उसके लिए बहुत बढ़िया है। हेलो निहांग, अन्मो अन्जियो था, अन्मो मा वेलकम। और ये अवनांग बीच। हाउ मच? फुल बॉडी मसाज 200। फुल बॉडी मसाज फुल। आई बिलीव इन दोस थिंग्स। और ये आज का पहला बीच है, तोनसाई बीच। आसमान में बादल छाए हुए हैं इसलिए यहाँ पे घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम आ गए हैं अपने सेकेंड बीच, रैली बीच पे। और ये सबसे खूबसूरत बीच है। This ain't love, there's no way you get into my heart. Some if there's no love, then there's no lust. Whatever you got, I'm about to give it up. I'm not in love. और हम लोग पहुंच गए प्रानांग बीच पे। और हम लोग जा रहे हैं प्रिंसेस कैप की ओर। अभी शाम का समय है और मौसम भी काफी खुशनुमा होने के कारण काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। अगर आप करावी आते हैं तो ये जगह मिस ना करें।
अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अभी के औनांग में आज मेरा चौथा दिन है और आज मैं जो 4-स्टार होटल बुक किया है वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। आप लोगों को बताना था कि सस्ते में फैमिली के साथ कैसे आप रह सकते हैं थाईलैंड में और बहुत ही कम रेट में आप लग्जरी को एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरे होटल की बालकोनी है और सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है ये। इस होटल में 220 कमरे हैं और ये यहाँ का बड़ा सा स्विमिंग पूल। इतना सुंदर पार्क है और मेंटेन भी है। You again will be out too late। और ये बाथरूम है बड़ा सा। चार दिन काबी में रहने के बाद मैं आज जा रहा हूँ फिफी आइलैंड, क्योंकि मुझे वहाँ 2 रात स्टे करना है और इसके लिए मैंने चुना है बिग बोट। फिफी आइलैंड में नेचुरल ब्यूटी के अलावा नाइट लाइफ भी ज़बरदस्त है। यहाँ रोज़ रात को बीच पे 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक ऐसा ही नज़ारा होता है। दूसरा दिन है और आज मैं निकल पड़ा हूँ 4 AM टूर के लिए। थाईलैंड के सबसे खूबसूरत मायावे के पास स्नॉर्कलिंग भी करने वाला हूँ। मैंने फिफी आइलैंड पे सिर्फ 400 भाते बुक किया था और ये लॉन्ग टेल बोट है और आप स्पीड बोट पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। और ये है मायावे, थाईलैंड का सबसे खूबसूरत बीच है और यहीं पे बीच मूवी की शूटिंग हुई थी, लेकिन ये करीब 1 साल से क्लोज कर दिया गया है। और मायावे में हम लोगों को 30 मिनट का टाइम दिया गया है स्नॉर्कलिंग करने के लिए। पानी गहरा हरा है। फिले बे बीच है और मुझे तो सबसे सुंदर लगा ये ग्रीन वाटर है। ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है मंकी बीच के नाम से। ये फेमस है क्योंकि बहुत सारे मंकीज हैं। ये कैकिंग करने के लिए बहुत बढ़िया स्पॉट है। आज मेरा पहला दिन है और मैं आज निकल गया हूँ आइलैंड टूर के लिए, जिसमें जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी इंक्लूड है। और ये पियर है और हम लोग की बोट है आज के लिए अंडमान सी कायक।
हमने कैकिंग स्टार्ट कर दी है इस बोट से। हम जाने वाले हैं उस केप की तरफ, केप के अंदर हम लोग जाएंगे और केप के अंदर हम लोग इंटर कर चुके। इसने बताया कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है स्टोन से बना हुआ, फिराना पीस के मौत के जैसे दिखाई दे रही है। ये मेरी हॉस्टल की बाथरूम है, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ की बंक बेड है। निकल रहा हूँ काडो और करण। तो ये थी मेरी 10 दिन की थाईलैंड जर्नी। अब बात करता हूँ टोटल खर्चे की। मेरा होटल और हॉस्टल्स में टोटल खर्च 5,000 रुपये का हुआ था। मैं ज़्यादातर 7-Eleven के पैक्ड फूड और स्ट्रीट फूड खा रहा था, इसीलिए डेली लगभग 600 रुपये के हिसाब से मेरा 6,000 रुपये खाने पे खर्च हुआ था। 14,000 रुपये मेरे फ्लाइट टिकट पे खर्च हुए, 10,000 रुपये मेरे आइलैंड टूर स्नॉर्कलिंग ट्रिप बोट और ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुए। तो इस तरह से कुल मिला करके मेरा खर्च 35,000 रुपये हुआ इस पूरे ट्रिप में, जो कि एक बजट ट्रिप था। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं।